अभी जैसे मेरे पास ये 8/3 ठीक है, इसको मैं डिवाइड लगाता हूं अगर, तो देखता हूं मैं क्या होता है। देखिए 8 को अपने को 3 से डिवाइड लगाना है, तो 3 2 6 या आ गया 2.0368 18, ये 2 बच गया। हाँ पॉइंट की हेल्प से फिर से जीरो ले सकते हैं, 3 6 18 2 आ गया, पॉइंट की हेल्प से फिर से जीरो, 3 6 18 क्या देखते हैं सर, ये रिपीट हो रहा है। और करते हैं एक बार, पॉइंट की हेल्प से जीरो किया और 3 3 6 18 ये 2 आ गया। तो हम क्या देखते हैं कि जो 8/3 है ना, इट इज रिपीटिंग रिकरिंग आफ्टर डेसिमल, इट इज रिकरिंग। तो इसको आप क्या नाम दोगे, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग डेसिमल। ये क्या हो गया, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, अभी तो बहरहाल नॉन टर्मिनेटिंग है। और से ऊपर ऊपर लिख के बार्स कर, हां लिख लेते हैं एक मिनट, नॉन टर्मिनेटिंग इस तरीके से डॉट डॉट लगा दो, मतलब एंड सो ऑन इस तरीके से ये चलता जाएगा, ठीक है ना। तो इसको हम क्या बोलेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, खत्म नहीं हो रहा। नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब खत्म नहीं हो रहा, टर्मिनेट का क्या मतलब होता है, अंत होना, खत्म होना। तो दिस इज नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग है। रिकरिंग का मतलब पॉइंट के बाद एक डिजिट या ग्रुप ऑफ डिजिट्स रिपीट करती है, ठीक है। तो हम लोग इसको कैसा लिख सकते हैं, 2 पॉइंट और 6 के ऊपर क्या लगा देंगे, छोटा सा बार। तो अगर आपको कहीं पे ऐसा लिखा हो 2.6 बार, तो आप फटाक से समझ जाओगे नॉन रिकरिंग। हाँ, जिसके ऊपर बार लगा हुआ है वो क्या कर रहा है, रिपीट, रिपीट सर, ठीक है।